और मतदान खत्म होने के बाद रिलैक्स मूड में सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। करनाल में एक चाय की टपरी पर अपने समर्थकों के साथ सीएम सैनी दिखे। सीएम सैनी ने लोगों के साथ चाय पी और सेल्फी ली, साथ ही साथ बच्चों को आशीर्वाद भी सीएम सैनी ने दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला और 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी किया। उनको इतना एहसास हो गया था जब चौथे चरण का चुनाव हुआ, कांग्रेस को ये पता चल गया था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के स्टार्ट हो गई कि मोदी 400 की बात कर रहे हैं, 400 को रोका जाए। उस प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने के लिए नहीं रोक पा रहे। सारे घमंडिया गठबंधन के लोग भी 400 पार मोदी को नहीं होने देना, उसको रोकना है, उसकी लड़ाई है, परंतु देश 400 पार। और अगली खबर सिरसा से। सिरसा में बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो आपस में भिड़े हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद आपस में ये कार्यकर्ता भिड़े, एक दूसरे पर हमले की कोशिश यहां पर की गई है। कांग्रेस नेता के ऑफिस के बाहर पथराव किया गया। पथराव में ऑफिस और कांग्रेस नेता राजन मेहता के गाड़ी के शीशे टूटे। कांग्रेस के युवा नेता पर एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी वर्कर्स पर दबंगई के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि घटना पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सिरसा से अशोक तंवर ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कल्चर हमेशा कांग्रेस का रहा है। ये हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे, तो उसमें उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडीए जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है, हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा, अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है और वो इसी बात पे हुआ भी। ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहाँ पहुँचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें, अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। ऐसे लोग जो है जो हताश हैं, निराश हैं, आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियां तोड़ने के, तो गुंडों की तो गुंडागर्दी तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं।